नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। सीबीएसई बोर्ड के पेपर लीक मामले को लेकर सीबीएसई के छात्रों ने भरवारी कस्बे में प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। छात्रों ने भरवारी चौराहे से लेकर भवंस मेहता महाविद्यालय तक हाथों में तख्तियां लेकर मार्च भी किया। छात्रों ने बताया कि सीबीएसई को जब पहले ही पेपर लीक होने की जानकारी हो गई थी तब परीक्षा क्यों रद्द की, और परीक्षा रद्द कर हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं और हमें तनाव दे रहे हैं। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मांग है आप लोगों की? हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये सीबीएसई ने हमारा पेपर लीक हुआ 24 घंटे पहले, जब पेपर लीक होने की खबर हो गई थी तो पेपर क्यों नहीं रोका गया? क्या हम लोगों की कोई वो नहीं है? हम लोगों के भविष्य क्यों खिलवाड़ किया जा रहा? और हमारी मांग ये है कि हमारे जो प्रदर्शनकारी हमारे सब साथी हैं, सुबह से हम लोग यहाँ पे हैं, और हमारी ये मांग है शिक्षा मंत्री अब तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए, और चीफ है जो सीबीएसई के उनको भी इस्तीफा देना चाहिए शर्म के लिहाज से, क्योंकि इन्होंने जो इतना बड़ा काम किया ये बहुत गलत काम किया, पता होने के बावजूद उन्होंने पेपर कराया, बहुत गलत है। क्या नाम है आपका? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।